हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज एक फिर नया वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रेम संबंधों का टूटना यानी ब्रेकअप होना ग्रह दशा के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं किन ग्रहों दशा के वजह से प्रेम संबंध टूट जाता है यानी ब्रेकअप हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, ब्रेकअप होते हैं यानी प्रेम संबंध टूट जाता है ये तीन ग्रह के वजह से। आइए हम उन तीन ग्रह कौन कौन सी है हम जानते हैं। दोस्तों, आज के समय में लड़का या लड़की के बीच प्रेम संबंध यानी अफेयर होना आम बात है, लेकिन इनमें से कुछ अफेयर शादी में बदल जाते हैं तो कुछ अफेयर के रिश्ते बीच में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये प्रेम संबंध का टूटने का क्या कारण होता है? तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि इनके टूटने का क्या कारण होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रेम संबंधों का टूटना यानी ब्रेकअप होना भी ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है। इन ग्रहों के उतार चढ़ाव के कारण ही लोगों के संबंध टूटते और जोड़ते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रेकअप का कारण मुख्य रूप से तीन ग्रहों के होते हैं, जिसमें सूर्य, मंगल और शनि, इन तीनों ग्रहों के कारण लड़का और लड़की में ब्रेकअप होता है। इन तीनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह उच्च राशि में होकर पंचम या सप्तम भाव को देखता है तो प्रेम विच्छेद यानी संबंध टूटने का योग बनता है। दोस्तों, आइए हम बताते हैं ब्रेकअप के कारण। नंबर वन, सूर्य, मंगल और शनि में से कोई भी एक ग्रह कुंडली के पांचवे या सातवें घर में अपनी ही राशि में हो तो भी प्रेम संबंधों में विच्छेद हो जाता है। दोस्तों, नंबर दो, इन ग्रहों के अलावा अगर कुंडली में पांचवे और सातवें घर के स्वामी ग्रहों पर इनमें से किसी एक ग्रह की दृष्टि हो तो भी विच्छेद का योग बनते हैं। दोस्तों, नंबर थ्री, शनि के प्रभाव से व्यक्ति का नेचर खराब हो जाता है। इनके इसी नेचर के कारण इनका ब्रेकअप होता है। दोस्तों, नंबर फोर, सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति किसी के साथ समझौता नहीं करता, इसी वजह से इनका प्रेम संबंध अधिक समय तक टिक नहीं पाता। दोस्तों, नंबर फाइव, मंगल के प्रभाव से व्यक्ति मनमानी करने वाला होता है, जिसके कारण इनका साथी ज्यादा दिन इसके साथ नहीं रह पाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्त तक जरूर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन बारे में कुछ पता चल पाए। और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।